विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही यूपी में सियासी पारा गर्मा गया है। 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में दस्तक दी है, जिसके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आगरा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। दोनों वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यूपी के वरिष्ठ नेताओं ने तिरंगा यात्रा का आगाज किया, जिसकी सफलता से उत्साहित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदेश में जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं को उठाया और दावा किया कि अगर अवसर मिलेगा तो इस तस्वीर को बदलकर दिखाएंगे। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जबकि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े किए। शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी आज आगरा तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये तिरंगा यात्रा आने वाले दिनों में कहां कहां पर और आयोजित होनी है, हमारा इस तिरंगे के नीचे भारत की आन बान के शान तिरंगे के नीचे क्या संकल्प है, मैं चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया जी आपके सामने विस्तार से। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश तिरंगा यात्रा का आगाज कर रही है। आदरणीय सांसद संजय जी के नेतृत्व में, सवाजीत भाई के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा के साथ एक संकल्प लेगा। ये तिरंगा यात्रा आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित हो रही है। हम सब जानते हैं कि देश के कोने में और दुनिया के कोने में कहीं भी कोई भारतीय खड़ा होता है तो तिरंगे को देख के उसका सीना चौड़ा होता है, तिरंगे को देख के उसके अंदर देशभक्ति जागती है, तिरंगे को देख के उसके अंदर देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। लेकिन हम तो सब लोग अपने तिरंगे को अपनी आन बान शान मानते हैं, लेकिन 75 वर्ष के आज़ादी के इतिहास में देश की राजनीति ने तिरंगे को तिरंगे के लिए वो काम नहीं किया जिससे तिरंगा भी देश की राजनीति पे आन बान शान कर सके। आज हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा हमसे पूछता है कि 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर बेड ना मिलने के कारण सड़क पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। यह तिरंगा हमसे पूछ रहा है, हमारा तिरंगा हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई है ताकि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके। आज 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत ये क्यों नहीं हो पाई है या शिक्षा का स्तर इतना शानदार क्यों नहीं हो पाया है कि पढ़ने लिखने के बाद एक किसान का, एक मजदूर का, एक आम आदमी का बेटा एक अच्छी नौकरी पा सके। मैं उत्तर प्रदेश में, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप आइए उत्तर प्रदेश में, हमने स्कूल शानदार कर दिए हैं, हमने कहा आके देख लेते हैं। तो मैं लखनऊ पहुंचा तो ना तो वो बहस के लिए आए, और जब मैंने कहा आप बहस के लिए नहीं आए, कोई नहीं, मैं अपने आप जाके, उत्तर प्रदेश तो सबका है, हमारा भी है, मैं लखनऊ में कुछ स्कूल, सरकारी स्कूल जाके देख लेता हूँ। तो पूरा पुलिस बल लगा के उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, संजय सिंह जी और हमारी गाड़ी को वहीं रोक दिया। तिरंगा यात्रा, देश में अपने तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, झंडे के साथ में, अपने शौर्य के साथ में, बदलाव की लहर दिख रही है, सबके मन को भा रही है, और आम आदमी पार्टी अब की उत्तर प्रदेश में आ रही है। 50 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन यहाँ पर तो हजारों का झुंड दिखाई दे रहा, क्या कहेंगे? मैं तो 50,000 आदमी देख रहा हूँ, और ये बदलाव का संकेत है, तिरंगा है, तिरंगे ने एक बार फिर से उमड़ा अपनी पूरी ताकत दिखा दी है, और लोग अपने आप निकल निकल के आ रहे हैं, और शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी आगरा में आ चुकी है, इस बात को दिखाती है ये तिरंगा यात्रा। ये उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा असर दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में ये असर दिख रहा है कि यहाँ पर बदलाव की बयार बहुत तेजी से बह रही है, और निश्चित रूप से हम बहुत बड़े बदलाव का ये संकेत देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अब तक कुचक्र फैला रखा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में जो आतताई अवस्था कर रखी थी, उसके बदले में आम आदमी पार्टी अब सामने आकर इस बदलाव की ये शुरुआत मात्र।
हालांकि अनुमति से ज्यादा लोगों की तिरंगा यात्रा में उपस्थिति होने पर पुलिस प्रशासन ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिलाध्यक्ष बने सिंह सहित 17 लोगों के खिलाफ नामजद और लगभग 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना लोहा मंडी में एफआईआर दर्ज की गई है।